यमुना जी तुकारी कारी राधा गोरी गोरी वृंदावन में दो मचावे बरसा मेरी छोरी रज धाम राधा जी की रज धानी लागे रज धानी लागे। सो हाय गाइस व्हाट्सअप वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल भरत ब्लॉग्स। सो गाइज आज सैटरडे है। सो आज हमारे कॉलेज का जा रहा है फील्ड विजिट। सो वो फील्ड विजिट कहाँ जा रहा है मैं आपको बताऊंगा आगे। सो ब्लॉग देखना एंड तक। सो अभी तो फिलहाल मैं हूँ कॉलेज के अंदर, यहाँ पर हमारा बस रेडी है जाने के लिए, नज़दीक में ही खड़ा है। सो यहाँ पर अपने दो भाई लोग, सो अभी पता नहीं, अभी तो हम लोग क्लास में जा रहे हैं क्योंकि अटेंडेंस वगैरह लगा देते आए तो फिर पता नहीं कब तक निकलेंगे। और आज खाना वगैरह सब उधर ही है, सो सब देखना एंड तक। सो चलिए ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी गाइस हम लोग फील्ड विजिट के लिए निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बस जो है फुल हो गई है। सो आधे बच्चे लोग आ ही नहीं पाए। सो अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। एक बस तो फुल हो गई है गाइस, एक ही बस में देखो इतना कर दिया। देखो सब पहले भाग रहे चढ़ने के लिए, देखो सब चिल्ला रहे, सब भाग रहे ताकि सीट मिलनी चाहिए बैठने के लिए। सो गाइस अब लोग इतना अच्छा बस में बैठे थे, मतलब पूरा एक ही बस में सब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों को भर दिया था, क्योंकि जा रहे दोनों है ना फील्ड विजिट के लिए। तो पहले तो सबको बाहर निकाला, पहले सबको भर दिया अंदर, फिर सबको बाहर निकाला। और अभी आधे जन तो हम लोग पीछे ही रह गए और आधे जन तो चले गए, क्योंकि एक ही बस निकाला ना कॉलेज वालों ने, इसीलिए। लड़ो गाइस बस के लिए लड़ाई चालू है यहाँ पर, मैम से सब लड़ रहे हैं बस के लिए, क्योंकि हम इतने जन पीछे रह गए इसीलिए, बाकी सब चले गए आपको छोड़ के। कोई बोलता है विरार से आया, कोई बोलता है यहाँ से आया, यहाँ से आया, मुंबई से आया, मुंबई से आया। फाइनली गाइस थोड़ा मैम के पास जाने के बाद, उनको बोलने के बाद हमको बस मिली है। सो अभी आधे आधे सब आ रहे हैं पीछे और आधे यहाँ पर बैठे सब। सो अभी हम और आ गाइस, मैंने आपको बताया नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो हम जा रहे हैं गोवर्धन इको विलेज, इस्कॉन टेम्पल और भी कुछ है वहाँ पर, सब देखने जा रहे हैं हम लोग। सो मैं और अनक तो हम लोग तो गए थे, कभी गए थे अपन? फर्स्ट ईयर में हम लोग गए थे। सो वो वाला ब्लॉग अगर जिसने भी नहीं देखा है तो जाओ वो वाला ब्लॉग देखो पहले, हम लोग तो बहुत पहले ही जाके आ चुके थे। सो वो वाला ब्लॉग जिसने भी नहीं देखा जाओ देखो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। उसके मैंने दो पार्ट में मैंने डिवाइड किया था वाले ब्लॉग को, सो देखो वो। तो गाइस हम लोग टोटल इतने जन पीछे रह गए थे देखो। यहाँ पर ढोल वोल गाने वाने बजा रहे सब, अपना लकड़ी वकड़ी लेके आए थे देखो सब। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच गए गोवर्धन इको विलेज। सो अभी जा रहे हैं अंदर, मैं एंट्रेंस वगैरह शूट किया नहीं क्योंकि सर बोल रहे थे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। सो गाई गाई में हम लोग आ गए अंदर, जो मेरे पीछे है ये। अभी एक एक मैं आपको दिखाऊंगा क्या है क्या नहीं, क्या हमको मैम सर जो भी है दिखाने वाले हमको, तो वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, तो सब देखना आप भी। ओके अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने के लिए। सो यहाँ पर छप्पर वगैरह निकला है, अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर। सो ये हम आ गए अंदर। सो आपको यहाँ पर अगर बैठना होता आप बैठ भी सकते हो, तब शांति से जैसे यहाँ पर बैठे थे वो लोग। गाइस आप भी दर्शन कर लो। गाइस यहाँ पर बहुत शांति है, बहुत शांति, एकदम मतलब बोलते हैं ना कि एकदम सुकून जैसी जगह है यहाँ पर। सो कुछ ऐसा ही है, अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है ब्रो? एक नंबर। कैसा लग रहा है? अच्छा एकदम। मेरा एक फोटो खींचो ना।
अभी चलते हैं नीचे। हरे कृष्ण, प्रसाद मिला है, बहुत अच्छा लगता है ये वाला प्रसाद। सो अभी गाइज हम जा रहे हैं नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि बोरा मेरे पीछे। अरे हम तीनों ही अलग घूम रहे हैं, बाकी सब तो ग्रुप में, पूरी कॉलेज साथ में ही घूम रही है वहाँ पर। हम तीनों ही अलग, सो हम भी उनके साथ ही ज्वाइंट होते। चलो गाइज, अभी है ये वाला लोकेशन। सो पहले ये वाले लोकेशन पे वीडियोस वगैरह, फोटोज वगैरह अलाउड नहीं था ना रे, वहाँ पर लिखा था वही पिछली बार। हाँ, और ये बार तो सब ले रहे हैं वीडियोस, फोटोज वगैरह सब ले रहे हैं। सो ये साइड का एरिया देखो यार, पैरों का झटका लग रहा है यार। बच्चा ही क्या झटका लग रहा है, तू मेरा वीडियो बना रहा है? बच्चा इसको झटका लग रहा है। तुम लोग शॉक्स पहनो भाई, मैं बिना इसका होशियार ही नहीं मानने का ज्यादा। तो मेरा भी ये मेरा बिहाइंड द सीन ले रहा है कमल। गाइज अब थोड़ा सुकून मिला। गाइज ये जो ये वाला व्यू आया ना गाइज, बहुत खतरनाक व्यू है। और यहाँ पर ये जो पूरा मैप है गोवर्धन इको विलेज का, क्या क्या पर है, क्या कहाँ पर है, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। यहाँ पर नेम नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है, सो देख सकते हो। ये एंट्रेंस के पहले ही है मैप है। So, अभी सब चलते हैं आगे। वृंदावन फॉरेस्ट, ओरिजिनल वृंदावन, फीलिंग ऑफ सेपरेशन। हाँ चलो चलो चलो, हो गया हो गया। चलो तू ही मेरे दिल की रज़ा है, मेरे बिना दिल भी तेरी आंखों का काजल ना फैले अब कभी भी, तुझे इतना प्यार दूँ तेरी खुशियों की खातिर, ये दुनिया में मेरी एक पल में वार हूँ। सुंदरा मेरे पास है, अब बैठे हैं हम भी यहाँ दिल के दरमियाँ। बारिशें बारिशें हैं तेरी बातों पे मैंने सजा लिया। तो अभी हम यहाँ पर आए गोवर्धन आयुर्वेदा। धन्वंतरि जी जिन्होंने पहला जो आयुर्वेदिक मेडिसिन अमृत उन्होंने दिया था, उसी से आयुर्वेदा शुरू हुआ। तो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद कृष्णा, दैट इज हाउ द वैदिक सनातन धर्म, इवन द आयुर्वेदा यू विल सी द सोर्स इज कनेक्टेड विद विष्णु नॉट कृष्णा। और इसीलिए उसको आयुर्वेदा बोलते हैं। आयुर् मीन्स बाय द टेकिंग दिस मेडिसिन योर आयु, योर लाइफ स्पैन, योर इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड आयुर्वेदा। जनरली हम कुछ हेल्थ गड़बड़ हो जाता है तो फिर मेडिसिन देते हैं ना, डॉक्टर को जाके बोलते हैं बुखार हो गया, ये हो गया, गोली दे दो। बट आयुर्वेदा बिफोर योर हेल्थ गेट डिसरप्टेड, द आयुर्वेदा गिव्स द मेडिसिन सो दैट योर हेल्थ रिमेन ऑलवेज गुड। सो इट्स ए प्रिकॉशनरी मेडिसिन, मतलब हेल्थ कैसे हमेशा अच्छा रहेगा उसके हिसाब से आयुर्वेदा फोकस करता है। गड़बड़ होने के बाद तो दूसरा स्टेज है, बट बिफोर वो हो नहीं, वो स्टेज आए नहीं, ताकि ऐसा हम लाइफ को, ऋतुचर्या को, लाइफ को ऐसा सीजन के साथ मेंटेन करें ताकि लाइफ हमेशा, हेल्थ हमेशा अच्छा रहे। वो ये बैठ है गाइस, आयुर्वेदा वालों का बैठ, स्टीम रूम अपना स्टीम तो पहले हो गया। इसके अंदर आई थिंक बैठना रहता है। गाइस यहाँ पर जो है ये बॉटनिकल गार्डन है, जो कि आयुर्वेदा वालों का है। इन लोग है ना खुद ही इसको मतलब ग्रो करते हैं और इनका फिर दवाई में यूज़ करते हैं आयुर्वेदा में। ये बॉटनिकल गार्डन है पूरा, इन्होंने मतलब खुद ग्रो किया ये, और फिर यही मेडिसिन में यूज़ होता है आयुर्वेदिक की। सो अभी गाइस हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, लंच टाइम होगा क्योंकि फिर 2 बजे खलास हो जाएगा। पहले जाते पेट वेट पूजा कर लेते,
क्योंकि बहुत ख़तरनाक भूख लगी है। यहाँ का जो खाना होता है ना बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि हम लोगों ने खाया यार, इसीलिए खाना खाने के लिए। बिस्तर से यूं गिराती की सोनू में बाहों में बस तेरी, जब बारिशें बरसती हैं पागल जैसे थिरकती हैं, तुम जैसी हो बस वैसी ही रहो। ये गन्ने का पेड़ देखो, मैंने इसको पिछले ब्लॉग में गन्ने का पेड़ बोला था, देखो ना वैसी लग रहा है ना। और यहाँ पर ये ब्रिज, अच्छा डर लग रहा है टूट ना जाए कहीं। ओ हो हो, मछली देखो कितनी कलरफुल मछली है यहाँ पर, सही यार। और ऊपर क्लाउड्स देखो क्या ही बने हुए हैं, वो देखो पानी में देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है देखो उनका। अच्छा लग रहा है। अभी गाइस हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, और वो हमको गाइड, जो हमको गाइड कर रहे थे ना, उन्होंने हमको तीन चार बार बोला चलो खाना खाने जाते हैं, चलो खाना खाने जाते हैं, लेकिन यहाँ लेके जा रहे, वहाँ लेके जा रहे, यहाँ लेके जा रहे, हमको दो तीन बार उन्होंने घुमाया, फिर अब जाके जा रहे खाना खाने के लिए। बहुत एक तो प्यास लगी थी क्योंकि ऊपर से धूप पड़ रहा है इतना गंदा वाला, और प्यास लगी थी तो वहाँ से पानी वगैरह पिया, एकदम चिल ठंडा पानी पिया। सो अभी खाना देखो इधर मिलता है, देखो यहाँ पर खाना वगैरह मिलता है, खाना वाना खाएंगे मस्त में। और क्या है खाने में वो आपको दिखाता हूँ, वैसे तो अच्छा ही रहेगा कुछ खाने के लिए। सो यहाँ पर हम हैं, यहाँ पर आए हम खाना खाने के लिए, ललिता भवन क्या है, प्रमल फाउंडेशन। सो यहाँ पर हम खाएंगे, चप्पल वगैरह उतार देते हैं यहाँ पर। आज मैं शूज़ पहन के आया, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को, खोलो पहनो। तो यहाँ पर खाने के लिए सिस्टम है, अब देखते खाने में क्या क्या है क्या नहीं। ओके सो गाइस, हमको खाने में ये मिला है देखो, उत्तप्पा और सांभर भाजी। तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। और ये सांभर और ये उपमा, ये पता नहीं शायद मिक्स भाजी है। तो कैसा है टेस्ट? मस्त है कमल टेस्ट, लेकिन नेक्स्ट टाइम तो यार ये नहीं था, अलग था कुछ, नल्ली वल्ली सब था। नेक्स्ट टाइम हम लोग आए थे ना तब कढ़ी था, नल्ली था, पूड़ी था, दाल राइस कुछ था ऐसा, लेकिन ये टाइम थोड़ा अलग है। वहाँ बैठे देखो, हम तीन यहाँ बैठे और इधर भी कोई बैठे, देखो बस खाना वाना खा लिया, अब यहाँ पर धोया जा रहा है बर्तन। भाई से अपना बर्तन नहीं धोया, मेरे को दे दिया धोने को। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए तू मेरा धोना क्या हो गया। यहाँ पर आप जो भी आप खाओगे ना खुद, तो आपको खुद को ही धोना पड़ेगा। बर्तन धोया रे? कैसा धोया? अच्छे से? कुछ लगा वगा तो नहीं है ना? पक्का? चलो ठीक है। कैसे खाना वाना खा के आ गए थे हम लोग यहाँ से, तो यहाँ पर गौशाला दिखा हमको। सो आपको कुछ भी अगर गौशाला में अगर कुछ देना हो तो आप दे सकते हो, मतलब जय गौ माता। सो गाइस ये यहाँ का पार्किंग है, देखो ये पार्किंग है पूरा। पहले यहाँ पर खेती तला रहे जब आप आए थे तभी, वो सनफ्लावर कर रहे थे अपना, अभी पार्किंग बना दिया पूरा। सो गाइज अभी हम लोग आ गए कॉलेज में, और फील्ड विजिट अपना कंप्लीट करके, सो अभी शाम के बज रहे हैं 4। सो फील्ड विजिट वगैरह जाके आ गए गोवर्धन इको विलेज, इस्कॉन टेंपल, जो कि अमरापुर में ही है। अगर आपको भी आना हो तो आ सकते हो, मतलब वहाँ पर बहुत दूर दूर से भी लोग आते हैं, टूरिस्ट एज अ टूरिस्ट प्लेस ही माना जाता है उसको। सो अच्छा है, आपको भी अगर आना है तो आ सकते हो, आउट ऑफ फॉरेन से भी आते हैं लोग, ऐसा मैं बोल रहे थे उधर। सो आपको भी आना तो आ सकते हो अमरापुर वाड़ा। सो अच्छा है, सुकून प्लेस एकदम, मतलब शांति वाली जगह है। सो बस वही था हमारा फील्ड विजिट। सो थोड़ा बहुत मैंने ब्लॉग वगैरह बनाया, सो आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। सो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर ना सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तेरी आंखों का काजल ना फैले, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।